Hello guys, today we are going to learn about the first question of mensuration of grade 8. Okay, so it's the question of mensuration. इसमें ये बताया गया है कि एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है इसका कि जो साइड गिवन है ये 60 मीटर्स गिवन है. साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर्स और एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका कि लेंथ गिवन है 80 मीटर्स, विड्थ गिवन नहीं है. इसमें यह बताया गया है कि पेरीमीटर जो दोनों फिगर्स का है, दोनों रेक्टेंगुलर दोनों फील्ड्स का है, वो सेम है. स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर और रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर दोनों सेम है. हम लोगों को यह बताना है कि विच फील्ड हैज अ लार्जर एरिया. Means the field that is being given in the question, which has the larger area, that we need to find. So पहला question की square क्या होता है, तो square ये जिसका all sides equal होता है. Square has all its four sides equal. और rectangle में एक length होता है, width होता है. Length और width same नहीं होता, ये different होता है. लेकिन स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट स्क्वायर हैज इट्स फोर साइड्स इज इक्वल व्हाइल द रेक्टेंगल हैज इट्स डिफरेंट लेंथ एंड विड्थ. ओके, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है कि हम अगर किसी के बाउंड्रीज का सम निकाल ले, जैसे कि ये 60 है, ये इसको हम इधर से ऐड करें, ये ऐड करें, इसका चारों साइड्स अगर हम ऐड करते स्क्वायर का, तो वो पेरीमीटर हो जाता है. उसी तरह रेक्टेंगल्स के बाउंड्री को अगर हम इसका सम फाइंड करते हैं तो ये इसका पेरीमीटर हो जाता है. ओके, सो दैट वी नीड टू कीप इन द माइंड दैट पेरीमीटर इज द सम ऑफ अ फिगर. ओके, सो यहां पर क्या है कि हम लोगों को एरिया फाइंड आउट करना है, किसका एरिया ज्यादा है. तो एरिया के लिए सबसे पहला चीज इसका फॉर्मूला हम लोगों को पता होना चाहिए. सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ स्क्वायर इज गिवन बाय साइड टाइम्स साइड. साइड टाइम्स साइड मीन्स जो साइड गिवन है उसको हम सिर्फ फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन बाय लेंथ टाइम्स विड्थ. ओके, लेंथ टाइम विड्थ. सो यहाँ पर ये हम लोगों को देखना है कि इसका लेंथ तो गिवन है, रेक्टेंगल का लेंथ तो गिवन है, बट विड्थ कहाँ गिवन है, विड्थ हम लोगों को पता नहीं है. सो फर्स्ट, इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड. We need to find out the width of the rectangular field, because अगर width पता नहीं होगा तो फिर area कैसे निकलेगा. So questions को हम लोग फिर से देखते हैं. It is being given that a square has a rectangular field, a square and a rectangular field with measurements as given in the figure have the same perimeter. We have to focus on this point. They both have the same perimeter. And we need to find out the area. Okay, so in the first step, we need to find out the width of the rectangle. Because if we don't know the width, how we'll find out the area of the rectangle? According to the question, question say dekhte hain ki perimeter of rectangle and the perimeter of square both are same. Okay, so perimeter of rectangle means sum of the sides of the rectangle. So perimeter of the rectangle means sum of the sides of the rectangle. So hum log jante hain ki rectangle mein length hua, ye width hua, aur ye bhi width hua. Hum log breadth ko bhi एक नाम से विड्थ बोलते हैं, गेट कंफ्यूज. तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं L plus W plus W. So L plus L will gives 2L and W plus W will gives 2W. So if we take the common, we can write it as a 2 length plus width. It's a perimeter formula of rectangle. Simple. Similarly, in the case of a square, its side is given. So side, four sides are there, so four times sides we can write. Okay, so I think ये clear हो गया होगा कि
इसको अगर हम ऐड कर दें इसके बाउंड्री को, तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा रेक्टेंगल का। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा किसका, स्क्वायर का। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइक दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो वी कैन राइट टू टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइड ऑफ द स्क्वायर। साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड इज गिवन 60 मीटर, सो उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 4 टाइम्स 60 क्या होता है, 240। हम लोग यहाँ 240 लिख सकते हैं। और ये जो 2 जो है मल्टीप्लिकेशन में है, जब ये इधर से इधर आएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा। वी नो दैट द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज डिवीजन। सो सिंपली ये 2 को जब हम इक्वल साइन के इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। सो 240 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स व्हाट, 120। ओके, ये क्या है, प्लस में है। अपोजिट ऑपरेशन ऑफ एडिशन इज सब्ट्रैक्शन। सो जब ये इधर से इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। 120 माइनस 80 इज 140। ओके, सो वी यूज द अपोजिट ऑपरेशन एंड आइसोलेट द वेरिएबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ विड्थ। सिंपली ये मल्टीप्लीकेशन में था, इधर से आया इधर से इधर आया, डिवीजन में हुआ। सो 240 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 120 एंड 80। 80 इज व्हाट, लेंथ, लेंथ की जगह पर 80 लिखा हुआ। अब ये प्लस में इधर से इधर आया तो ये माइनस में हुआ। 120 माइनस 80 गिव्स 40 मीटर। सो वी फाइंड इट आउट दैट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज व्हाट, 40 मीटर। इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर। We know that the area of square is what, side times side, side times side. So what is the value of the side of the square? Side of the square is given 60 meters. Side of the square is 60 meters. So we need to find out the value of 60 times 60. So 60 times 60 is what, 3600. 3600. So area of square we can write 3600 square meters. Area of the square what we can write, 3600 square meters. So like that only we can able to find out the value of rectangle. Area of rectangle. Area of rectangular field can be given as length times width, and the length is 80 meters and the width is 40 meters. So we can write 80 times 40. 80 times 40 gives 3200. एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 3200 स्क्वायर मीटर। सो ये दोनों का एरिया मिल गया। हम लोग देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया 3200 है और स्क्वायर फील्ड का एरिया 3600 है। स्क्वायर फील्ड का एरिया जो है वो 3600 है। सो क्लियर हम लोग देखते हैं दैट इज 3600 इज मोर देन 3200। 3600 इज ग्रेटर देन 3200। सो एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड is greater by 400 meters square, or simply we can say that the area of the square field is large.